This is our day 2 from Kalpa. Good morning, everyone. We are having the breakfast here. ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम सुबह सुबह आके, जल्दी निकलना है, अभी हमें जाना है यहाँ से नाको फिर ताबो मोनेस्ट्री। ब्रेकफास्ट में मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। तो हमारे पास है एक भुजी, पराठा, चाय, दही और संभव की प्लेट में है पास्ता, पराठा और एक भुजी। ठीक है, ओके संभव, कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, फुलफिलिंग। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीति जाने की आपकी सबसे मेन वजह क्या होगी? क्या इन मोनेस्ट्रीज बंजर पहाड़ों में दबे हजारों साल पुराने राज को जानना, या दुनिया के सबसे ऊंचाई पे बसे विलेजेस, पोस्ट ऑफिस, मोनेस्ट्रीज तक के सफर को एंजॉय करना? तो पूछना क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। Hey guys, तो अभी हमारे कैब, हमारा ट्रैवलर रेडी हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं ताबो मोनेस्ट्री और मेरे साथ है संभव, आसमा और हमारा ट्रैवलर रेडी हो चुका है, बैग पैकिंग हो चुकी है, सब जा रहे हैं धीरे धीरे। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई तो मैं लास्ट में जाऊंगा ना, चलो आप। अर्जुन भाई चलो, ये हीरो लग रहे हो भाई, क्या बात है, क्या बात है, मचा दिए। चल भाई आजा। नाको और ताबो के सफर में हमें मिलता है दो रिवर्स का संगम, स्पीति रिवर एंड सुतलज रिवर। स्पीति रिवर जो सीधे स्पीति से आ रही है और सुतलज रिवर जो सीधे चाइना से आ रही है, और कहते हैं सुतलुज रिवर सीधे कैलाश से आती है। सो आपके कैलाश के पानी से पवित्र होने का ख्वाब यहाँ पूरा हो सकता है, इसलिए इसको ख्वाब संगम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा यह ख्वाब तो पूरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया वो हमारे गाइड वाले भैया आपको बताएंगे। उस तरफ भी नहीं जाना, ब्रिज के इस तरफ भी, नीचे कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि उस तरफ मिलिट्री प्रैक्टिस होती है और वैसे भी सुतलुज रिवर चाइना से आ रही है, इसके इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है इसके करंट पे, फ्लो पे, कब कितने किस टाइम करंट फ्लो बढ़ रहा है उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इट्स वेरी रिस्की, तो कोई नीचे नहीं है, ठीक है। हमारे पास 15-20 मिनट है यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ ब्रिज पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे, अच्छी फोटोज आती है, फिर विल मूव टू नाको जहाँ पे हमारा लंच हो, ठीक है। चलो आप कल्पा से 100 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पे बसे हम पहुँच जाते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एक और खूबसूरत विलेज नाको में। ये गाइस, तो कल्पा से नाको जाते टाइम हमें मिला है ये ढाबा, अब यहाँ स्टे कर रहे हैं। ये ढाबा है, मैं दिखाता हूँ आपको, कांगड़ी ढाबा नाको। तो हम यहाँ अपना लंच कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक थाली में थी यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी। बताओ कैसी थी थाली? बहुत ही लाजवाब, और उस पर जो एक्स्ट्रा घी डाला था आसमा ने, हाँ आसमा ने घी डाला था उसमें, मज़ा आ गया खाने में। ये राइस, ये क्या है? राजमा, राजमा, दिस इज राजमा, कड़ी योर फेवरेट वन, और ये है आलू टमाटर मटर व्हाटएवर, एंड दिस इज ग्रीन सॉस, चिली सॉस, चटनी, एंड दिस इज सैलेड। यस, कैसा लग रहा है? अभी खाया नहीं है, खाना खाने के बाद कैसा लग रहा है आसमा का खाना, और इनकी पार्टी हो रही है। नाको विलेज की ब्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। वो पहाड़ देख सकते हैं आप, सूखे पहाड़ है एकदम, बट वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो वहाँ पे बर्फ़ देख सकते हैं आप पीछे के पहाड़ों में, एकदम शानदार व्यू है। ये है नाको विलेज, इसकी ब्यूटी आप देख सकते हैं वीडियो में। हम जा रहे हैं ताबो विलेज। नाको से ताबो का सफ़र हमारा 2 घंटे का होने वाला है, 2-3 घंटे का, ज़्यादा भी लग सकते हैं उससे, आई एम नॉट श्योर। ये लामा जी है हमारे ड्राइवर। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आप तो यहाँ रहते हो, थोड़े यहाँ के बारे में बताओगे? मेरे को तो बहुत अच्छा। कब से हो आप यहाँ पे? नहीं, पैदाशी ही हूँ, ऐसे मत बोलो, पैदाशी ही हूँ, यहीं पे पैदा हुए थे। आपकी शादी हो गई? कितने बच्चे आपके? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, चलो कोई नहीं। और यहाँ की कहाँ घूम सकते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं नाको विलेज में? नाको विलेज है अच्छी लेक है, लेक न्यू गोल्ड गाँव है। आप कब से ट्रैवलर चला रहे हैं? मैं तो 15 साल हो गए। 15 साल से सेम ट्रैवलर? नहीं, 2-3 गाड़ी हो गई। तो ये आपकी पर्सनल गाड़ी है? सही है, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इस तरह सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं ताबो विलेज में बसी हज़ारों साल पुरानी ताबो मोनेस्ट्री, जिसका पूरा स्ट्रक्चर मड से बना हुआ है। ताबो मोनेस्ट्री को 996 सीई में येशियो नाम के राजा ने बनवाया था। मोनेस्ट्री के अंदर बुद्धा के अलग अलग पोजेस में हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और माना जाता है यहाँ की केव्स सीधे चाइना से भी कनेक्टेड हैं। लेकिन यह थी ताबो की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ एक न्यू मोनेस्ट्री भी है जो कुछ ऐसी दिखती है। अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आप धनकर गोम्पा विलेज के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, जहां के सीधे पहाड़ के ऊपर 12,774 फीट की ऊंचाई पे बसी है हज़ारों साल पुरानी धनकर मोनेस्ट्री। तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं धनकर मोनेस्ट्री एंड द पिन वैली। सो लेट मी शो यू द व्यू। सो धनकर मोनेस्ट्री का एंट्रेंस है। संभव धनकर मोनेस्ट्री के बारे में, हाँ धनकर मोनेस्ट्री के बारे में खास बात बताओ। धनकर मोनेस्ट्री के बारे में अभी जैसा कि हमें गाइड ने बताया है कि यहाँ के लोग क्लेम करते हैं कि लाइक दिस इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, ओल्डेस्ट आई मीन इन हिमाचल प्रदेश। देयर आर मेनी मोर मोनेस्ट्रीज व्हिच आर फार व्हिच हैव बीन फार अर्लियर देन दिस ताबो और धनकर। सो आई गेस जाके देखते हैं और अंदर क्या है, अभी तो हम लोग बस जाने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से पहले ये मोनेस्ट्री थी। अच्छा हाँ, और फिर ये जब ही खत्म होगी जब इंसानियत खत्म हो जाएगी। हाँ लेकिन फिर मतलब ठीक है, ये एक बिलीफ है, बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करते हम लोग। ओके नाइस। अंदर कैमरा अलाउड तो नहीं था तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, लेकिन हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, बातें की और अपना तीसरा दिन का लंच पैक करवाया और निकल पड़े पिन वैली की ओर। गाइस हम पिन वैली पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है हमें। आप ठीक से चलिए, मैं इस ब्रिज का नाम मैं आपको बताता हूँ, दिलांग ब्रिज, जो डेलिंग ब्रिज, जो उस विलेज के नाम पर डाला हुआ है, क्योंकि इस ब्रिज से होकर हम उस विलेज तक जाते हैं। पिन वैली पिकनिक स्पॉट के लिए काफ़ी सुंदर जगह है और उसके बीच झूलता हुआ यह ब्रिज, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना था। ब्रिज के ऊपर ऐसा लग रहा था कि रिवर के साथ यह ब्रिज भी बहे चले जा रहा है। और इसी बीच शुरू होता है हमारे तीसरे दिन का लंच इन सुंदर वादियों में। यहाँ पिन वैली के पास बैठकर खाना खा रहे हैं। ये हमारे गाइड वाले भैया खाना बांट रहे हैं सबको। भैया सबका खाना हो गया? यहाँ का मौसम कितना अलग है ना, तेज धूप में सरसराती हुई ठंडी सी हवा, बहते हुए पानी का शोर, एक अलग ही आनंद का अनुभव कराता है। इसको पिन वैली क्यों बोलता है? इसको इसका नाम पिन वैली इसलिए पड़ा, देखो अभी तक पीक्स वगैरह भी पीक्स दे दी है ना, इसकी जितनी भी अपर मोस्ट पीक्स है इसकी मेन ना, वो सारी पिन पॉइंटेड है ना, ऐसे इसलिए इसको पिन वैली। तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? ये ब्रिज में ऐसे ही बस थोड़ा रिलैक्सिंग डे होता है, पिकनिक करवा देते हैं लोग, हम यहाँ पे लंच करवा देते हैं, मज़ा आ जाता है लोगों को। हर रोज़ इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं ना। इसके बाद कहाँ जाने वाले भैया? काज़ा मार्केट, फिर वहाँ से सीधे वहाँ पे। आज तुम्हें वहाँ पे बढ़िया एक नंबर मोमोज, थप्पा, तेंतुक सब खिलाएंगे। एक समोसे चाट वाला भी अच्छा, वो भी अच्छा बनाता है। खाने पीने चलेंगे, फिर तुम लोग शॉपिंग करना, तुम्हें एक आची की दुकान पे छोड़ देंगे, वहाँ शॉपिंग करना तुम लोग। फिर कैफ़ेज़ भी हैं काज़ा मार्केट में, सोल कैफ़े है, बाकी वाइब बहुत अच्छी है। अच्छा, काज़ा कैफ़े का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। अगर काज़ा कोई आना चाहता है तो मतलब वो कहाँ घूम सकता है स्पेशली? काज़ा अगर आओगे, जैसे कल आप जाओगे ना, काज़ा के आसपास बहुत सारे विलेजेस हैं, जैसे चीचम ब्रिज है, एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, वो तो बहुत फेमस है। मतलब की मोनेस्ट्री है बहुत फेमस, जिसकी फ़ोटो हर स्पीति वैली के पिक्चर्स में लगी होती है ना, तो वहाँ हम कल जाने वाले हैं, राइट? हाँ जी। फिर आप लांजा, जहाँ पे बुद्धा की फॉसिल विलेज है और बुद्धा स्टैचू है जहाँ पे। फिर कॉमिक विलेज, जो वर्ल्ड हाईएस्ट इनहैबिटेबल विलेज है, कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड। फिर आप जाओगे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम में। तो ये सब कल कवर करने वाले हैं हम, राइट? ये पास पास में ही है, ऐसे आधा घंटा पौना घंटा दूर एक दूसरे से ना, तो सब कुछ पास पास में है, तो कल एक दिन में एक और होता है, बढ़िया आराम से। ठीक है, ओके। अब आपको आने वाले एपिसोड का आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमारे आने वाले दिन और भी खूबसूरत होने वाले हैं, और ये बात मुझे सच में पागल कर रही थी। अब बस इंतज़ार है अगली सुबह का। तो मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में, एक नई एनर्जी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ब्लॉग का हिस्सा बनने का मौका मिला, फुटेज खाते हैं। तो गाइज, हम की मोनेस्ट्री पा चुके हैं अभी। तो की मोनेस्ट्री ये 700 साल पुरानी है। ठंडी लगी है, इतनी ठंडी है गाइज। ये है मोमी व्यू मोनेस्ट्री में, माना जाता है इनके दांत अभी भी बढ़ रहे हैं।